जी भैया जी मैम, मैं बड़ा फैंसी फ्रेम से बोल रहा हूँ। मैडम वो आपने फोटो दी थी ना फ्रेम करने को, भैया जैसे कहा था वैसे ही किया है ना आपने? बिल्कुल वैसे ही फ्रेम किया है मैम, बस आप पता बता दीजिए। जी लिखिए भैया। थैंक यू मैम। प्लीज भैया संभाल के लाइएगा, वो हमारी हमारी शादी की फोटो है वो। हम संभाल कर लाएंगे मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मिसेज उड़ा। शुक्रिया। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें मिसेस हुडा बुलाता है। मिसेस जोया आदित्य हुडा। सुनिए हमें वो फोटो फ्रेम हटाने क्या हटा सकते? जोया तुम्हारा कमरा है, जो करना है करो, मुझसे क्या पूछ रही हो? थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? बचा रहा हूँ तुम्हें, तुम गिर रही थी, तुम्हें बचाऊंगा ऑब्वियसली। छोड़िए छोड़िए। तुमसे ज्यादा प्यार तो तुम्हारा मंगलसूत्र करता है मुझसे, याद रखना। तुम्हारे मंगलसूत्र की तरह तुम भी अटक गए मेरे साथ फॉरएवर। हम अटके नहीं हैं आपके साथ, हमने आपका साथ चुना है, समझे? जवाब दीजिए आदित्य होगा, आपकी बोलती बंद हो गई। बोलिए। बाप को देखकर बोलती बंद हो गई है इसकी। सॉरी मैं, मेरा नोकिया तुम लोगों के कमरे में दरवाजा सॉरी खुला रखा था। जोया की बात का जवाब जरूर देना, बाप की इज्जत रखना। बच्चा मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आया था, ये आपके लिए साड़ी। हम देखते हैं। आई डोंट नो अबाउट योर टेस्ट, आई होप कि तुम्हें अच्छी लगे। पापा ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितना प्यारा कलर है। सच कह रही हो ना? ये साड़ी हम आज शाम को ही पहनेंगे, तब आपको यकीन आएगा। God bless you. थैंक यू। किसने भिजवाया? यहाँ नहीं लिखा लेकिन ऑर्डर यहीं के लिए। थैंक यू। कुछ लेंगे आप पानी वानी? नहीं सर। वाह, ये किसने भेजा होगा? अर्जुन, अर्जुन देख, थैंक यू सो मच। क्यों ज्यादा मॉडेस्ट मत बन, मुझे वेडिंग गिफ्ट देकर सरप्राइज एक्ट मत कर, प्राउड ऑफ यू। वैसे फ्रेम काफी अच्छी है, थैंक यू, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मेरे को शादी पर बुलाया नहीं था, तो ये फोटो मैंने खींची नहीं। फिर भी बारखो थैंक्स है, मैंने तेरे उम्मीद की थी, तूने नहीं भेजी, पाने भेजी होगी, पाने। आई नो माई पा पा, आई लव यू, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच पा। अरे वाह, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। आई नो,
आप जो काम करते हैं अच्छे से ही करते हैं। हाँ वो तो मैं करता ही हूँ। अगर आपने पिक्चर भेजी है तो अच्छी होगी ना? हाँ कैसे बुरी हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे ये मैंने नहीं भिजवाई है। वो क्या है आदित्य हुडा? नो वेडिंग पार्टी, नो गिफ्ट, राइट अर्जुन? थैंक यू। यस लेट्स गो, दैट्स अ गुड वन। आई नो, जिसने भी भेजी है उसे थैंक यू बोलना। पता तो चले किसने भेजी होगी। जोया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? हमारे लिए तुम्हें दिखाना है, ये देखो। कितनी प्यारी है ना? सीरियसली कितनी अच्छी फोटो है ये। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें ना, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, तो कोई भी अगर ये फोटोग्राफ देखेगा ना तो तुम्हें लकी समझेगा। बुरा मत मानना, ओके? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे तो नसीब खुल गए कि हमें आप जैसे शौहर मिला। थैंक यू सो मच। मतलब मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा तो तुम मुझे तंगड़ी मारोगी? सीरियसली कितनी अच्छी फोटो है जोया ये। आपको अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी है ये फोटोग्राफ। इशिता, हाँ अर्जुन ने नहीं बनवाई, पा ने नहीं बनवाई, वसल तो ऐसा सोचेगा नहीं। इशिता, इशिता एक्चुअली वाओ। एक काम करिए ना, आप इशिता को फोन करके उन्हें थैंक यू क्यों नहीं कहते? व्हाट एन आइडिया, फोन दो तो दो फोन ये लीजिए, करिए फोन और उन्हें थैंक यू कीजिए। करिए ना फोन, क्या हुआ? ये गिफ्ट तुमने बनवाया है क्या? हमें बहुत काम है। जोया, ये तुमने बनवाया है ना? बताया क्यों नहीं? क्या बताया क्यों नहीं, सरप्राइज का मतलब नहीं पता आपको? सरप्राइज भी खराब कर दिया, हमारा मूड भी खराब कर दिया। अरे मूड तो तुम्हारा ठीक कर दूंगा, सरप्राइज का मतलब मैं भी जानता हूँ। मेरे पास भी है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, रुको। क्या? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। क्या है? खोल के देखो। ये हमारे साथ वचन है। और अब ये यहां हमारे कमरे में लगेंगे, क्योंकि तो मैं हर वचन को याद रखना चाहता हूं, निभाना चाहता हूं, तोड़ना नहीं चाहता। हम भी नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं। ये बहुत अच्छा है। चलो पहले तुम्हारी ये वाली फोटोग्राफ को यहां लगा देते हैं। फिर ये इसको कहां लगाएंगे तुम देख लेना। जोया, जोया, जोया बचाओ, जोया मैं गिर रहा हूं, बचाओ। हंस क्या रही हो? तुम गिर रही थी, मैंने तुम्हें बताया ना, तुमने इतनी जल्दी वादा तोड़ दिया। मिस्टर हुडा, हमने आपकी नौटंकी में आपका साथ देने का वादा नहीं किया था। मैं तो सीरियसली गिर गया ना, मुझे तो सही में लग गई ना। छोटा सा ऐसे यहाँ पर देखो, नीलू आया होगा इधर इधर। अब कुछ लगा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? फर्स्ट एड बॉक्स क्या? हम बर्फ लेकर आते हैं क्या?
शायद तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? मेरे तो दिल पे भी चोट होती और सर पे भी। जाने दीजिए हम बर्फ लेकर। ऐसे कैसे जाने दूं? जिंदगी भर साथ निभाने का वचन लिया है ना, कैसे जाने दूं? तो I'm really sorry. अगर मुझे किसी चीज को जाने देना है तो वो है मेरा पास्ट, मेरा अतीत। I'm sorry, मुझे पता ही नहीं था कि वो फोटोग्राफ। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इस घर में पहले पूजा आई थी, यहाँ पर उनका हक था। हक था है नहीं, इस घर पे, इस कमरे पे मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, हमेशा रहेगा। इसमें अप्पे का सारा सामान है, उन्हें दे देना। नूर, नूर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें इतने दिनों से फोन कर रहा हूं नूर, और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। बस अर्जुन, हमें कुछ मत समझाओ, हमें कोई सफाई नहीं सुननी, ना ही हम आपसे बात करना चाहते हैं। नूर, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो तुम मुझे सजा दो ना। किस हक से? किस हक से हम तुम्हें सजा दें और किस हक से हम तुमसे नाराज हो? पता है अर्जुन, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा, और जो बच्ची कुछ उम्मीद भी थी ना, वो भी तुमने खत्म कर दी। प्लीज नूर, तुमने उस कार की हालत नहीं देखी थी, अगर तुमने देखा होता तो तुमको शायद पता चलता कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। नूर, मैं घबरा गया था, अपनी भाई की जिंदगी के लिए घबरा गया था नूर, और अगर मेरी भाई की जगह तुम्हारी बहन होती ना तो आई एम श्योर तुम भी वही करती। सॉरी अर्जुन, हम चाहे कार की कितनी भी बुरी हालत देख लेते ना, और चाहे कितना भी बुरा से बुरा इमेजिन कर लेते, हम आपके अम्मी और अब्बू को जेल भिजवाने का फैसला नहीं लेते। नूर, अपनी बहन से तो मिल लो। उनसे कह देना अब वो हमारी अपनी नहीं रही। सुधा भाभी, नूर आई थी, वो तुम्हारे लिए बैग छोड़ के गई। वो रुकी नहीं, शायद बिजी हो गया। सॉरी, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। नाराज है हमसे, बचपन से ही बहुत जिद्दी है। दुख तो हमें बस इस बात का हो रहा है कि हमारी वजह से आप दोनों में दूरी हो गई। नहीं, सब मेरी गलती है। आप और भाई तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों को हक है खुश रहने का। आपको भी हक है खुश रहने का, प्यार करने का, और अर्जुन, हमें उम्मीद है कि आपकी खुशी, आपका प्यार बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। थैंक यू सर, एक भाभी से बढ़कर बहन होने के लिए। तो हमें भी आपको थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि आप बस हमारे देवर ही नहीं, हमारे छोटे भाई की तरह है। खूबसूरत लगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखना, इतनी खूबसूरती किसी की जान भी ले सकती है। आप प्लीज हमें घूरना बंद करेंगे? कैसे बंद करूं, क्यों बंद करूं? देखो, तुम्हें घूरना, तुम्हारी तारीफ करना मेरा हक भी है और ड्यूटी भी।
प्लीज जोया मुझे अपनी ड्यूटी करने दो, प्लीज मुझे तुम्हें परेशान। अच्छा प्लीज अब हमें तैयार होने दीजिए। देखिए मम्मी जी ने वो रस्म रखी सारी औरतें। एक आखिरी बार तुम्हें परेशान करने दो। क्या लग रही हो ना बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। अच्छा सुनो ना, अब अगर तुम परमिशन दो तो प्लीज मैं जाके नहा लूं। आई मस्ट बी थिंकिंग, मैं तो जिम से आ रहा हूं ना। आ जाइए मैम। जूस रख दीजिए। दिखाए की प्रेपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। अभी तक अकल नहीं आई तुमको, भागना मुमकिन नहीं है सोया। मैं जो कह रहा हूं वो मजाक नहीं कर। ये जो जूस है तुम्हारे सामने, इसको पियो। जूस पियो जोया, वरना तुम्हारे पूछे ससुर जी को लंबी गहरी नींद की गोली मिल जाएगी। So, Mrs. Huda, तुम तैयार हो अपनी मुंह दिखाई के लिए? सीरियसली बता रहा हूँ, तुम आज बहुत पकने वाली हो। सुबह से खातिरदारी करते कर जोया, मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन है तो चलो मेरे साथ। ये फालतू की फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें करना होगा ना आदित्य। जोया ऐसे क्यों बोल रही है जैसे कोई प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। नहीं मतलब रसम है जो हमें करना होगा, और ये हम सिर्फ आपके आपके लिए कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, I wish I could be here, but औरतों का है तो मुझे जाना होगा। मैं बस घर के पास में ही हूँ, एक सवा घंटे में आ जाऊंगा। आदित्य का हमेशा साथ देने का वचन लिया है ना तुमने, चाहे कोई भी मुसीबत आए। ये देखो, तुम्हारे लिए गए हर वचन का प्रूफ है मेरे पास। अगर तुम गलती से भी भूल जाओगी ना तो याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.